भारत में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सी न्यूज भारत परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए आज आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो आज देश में होने वाली है। जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे गुजरात के दौरे पर और अजमेर के सरकारी अस्पताल आज बिना चैरिटी देंगे ब्लड। ऐसी तमाम खबरों के बारे में आइए जानते हैं। साथ ही अंत में आपको आज के दिन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों इतिहास के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 31 अक्टूबर को अपने गृह प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी वनग्राम में वन टांगियों के साथ दिवाली मनाएंगे। बता दें कि वे आज यानी 31 अक्टूबर को गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री इस गाँव में आज आकर दीपोत्सव मनाएंगे। वनटांगिया समुदाय के साथ दीपावली की खुशियां साझा करने के साथ मुख्यमंत्री जिले के कई ग्राम पंचायतों को कुल 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। अजमेर में जेएलएन मेडिकल कॉलेज के तीनों ही अस्पतालों जवाहरलाल नेहरू जनाना व सैटेलाइट चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को दीपावली आज यानी 31 अक्टूबर को बिना चैरिटी के ब्लड दिया जाएगा। बता दें कि प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने नई पहल की है। दीपावली व छठ पर्व को लेकर मुंगेर विश्वविद्यालय के कार्यालयों तथा सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में आज यानी 31 अक्टूबर से अवकाश हो जाएगा। बता दें जिसके बाद विश्वविद्यालय के कार्यालय व कॉलेज 11 नवंबर को सुचारू रूप से खुलेंगे। सिमडेगा में पटेल सेवा संघ द्वारा आज यानी 31 अक्टूबर को पटले जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम होटल आशा में 11 बजे से शुरू होगा। बांसवाड़ा हजरत दिलदार शाह रहमतुल्ला अलैह का सालाना उर्स आज यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बता दें जिसमें सुबह फजर की नमाज से पहले संदल की रस्म अदा की जाएगी, कुरान खानी की तिलावत की जाएगी। बिलाईगढ़ में आगामी माह में धान खरीदी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों से धान खरीदी की सुगमता के लिए खरीफ 2024-25 में नया पंजीयन फसल रकबा संशोधन एवं कैरी फॉरवर्ड हेतु आज यानी 31 अक्टूबर तक पंजीयन किया जाएगा। आईपीएल के मेगा ऑक्शन 2024 के लिए प्लेयर्स रिटेंशन की आखिरी तारीख आज यानी 31 अक्टूबर है। बता दें कि आज शाम 5 बजे से पहले सभी फ्रेंचाइजी अपने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम आईपीएल की आयोजन समिति भेजेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 31 आनुषंगिक संगठनों के 554 प्रचारकों का प्रशिक्षण वर्ग आज यानी 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ग्वालियर में होगा। बता दें इस प्रशिक्षण वर्ग के लिए संघ के प्रचारकों का ग्वालियर पहुंचना शुरू हो गया है। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे। आज यानी 31 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। बता दें प्रदेश के दक्षिणी मध्य और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1759 में आज के दिन फिलिस्तीन के साफेद में भूकंप से 100 लोग मारे गए थे। साल 1864 में आज के दिन नेवादा अमेरिका का 36वां प्रांत बना था। साल 1905 में आज के दिन अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में क्रांतिकारी प्रदर्शन हुआ था। साल 1922 में आज के दिन कंबोडिया के राजा नोरोदम श्रीनोक का जन्म हुआ था। साल 1984 में आज के दिन भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ था। फिलहाल मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।